केमिस्ट्री चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, ये आपका वीडियो क्लिप सेकंड है जिसमें हम लोग कंसेप्ट देख रहे हैं रिजिड एंड फ्लूड के बारे में। रिजिड एंड फ्लूड के बारे में कि रिजिड का क्या तात्पर्य होता है, क्या मीनिंग है, और फ्लूड का क्या तात्पर्य है, क्या मीनिंग है, रिजिड का किस सेंस में यूज किया जाता है और फ्लूड का किस सेंस में हम लोग प्रयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं। रिजिड मीन्स अनबेंडिंग, रिजिड का अर्थ होता है अनबेंडिंग। रिजिड जो होता है उसको हम लोग इनफ्लेक्सिबल के नाम से भी जानते हैं, जो लचीला नहीं होता है, जिसको हम मोड़ नहीं सकते हैं, घुमा नहीं सकते हैं, बेंड नहीं कर सकते हैं, तोड़ नहीं सकते हैं, अनबेंडिंग हो। वैसे मटेरियल को हम लोग रिजिड समझते हैं, कठोर समझते हैं, हार्ड होता है ये। और दूसरा जो है आपका है फ्लूइड। फ्लूइड का अर्थ होता है, फ्लूइड मीन्स अ मटेरियल विच कैन फ्लो, जो आसानी से फ्लो करता हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्लूइड बोलते हैं। जैसे पानी को गिरा देते हैं किसी सतह पर तो फ्लूइड फ्लो करने लगता है, तेल को गिरा देते हैं तो फ्लो करने लगता है, किसी गैस को हम लोग ओपन कर देते हैं तो भी फ्लो करने लगता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि फ्लूइड मीन्स अ मटेरियल विच कैन फ्लो इजली एंड रिक्वायर्स अ वेसल, जिसको किसी चीज़ की जो आवश्यकता हो, किसी वेसल की आवश्यकता हो, किसी कंटेनर की आवश्यकता हो, किसी बीकर की आवश्यकता हो, उसको कीप इट करने के लिए, रखने के लिए, तो उसको हम लोग फ्लूइड बोलते हैं। और रिजिड को, रिजिड मीन्स अनबेंडिंग इनफ्लेक्सिबल, फ्लूइड मीन्स सिंपल है, अ मटेरियल विच कैन फ्लो इजली एंड रिक्वायर्स अ वेसल टू कीप इट। नोट को ध्यान रखिएगा, जो नोट जो हम बताने जा रहे हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अ सॉलिड इज अ रिजिड फॉर्म ऑफ मैटर। सॉलिड जो होता है वह मैटर का सबसे रिजिड फॉर्म माना जाता है, वो सबसे रिजिड फॉर्म कहा जाता है। अ लिक्विड इज अ फ्लूइड फॉर्म ऑफ मैटर। मैटर का फ्लूइड फॉर्म किसको माना गया है, तो लिक्विड को। मैटर का रिजिड फॉर्म किसको माना गया है, तो सॉलिड को। इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है कि मैटर का रिजिड फॉर्म किसको कहा गया है, तो सॉलिड को, फिर एक बार रिपीट कर रहे हैं, और मैटर का फ्लूइड फॉर्म किसको कहा गया है, तो लिक्विड को। इसलिए कि विच ऑक्यूपाई द लोअर पार्ट ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज केप्ड, जहाँ इसको रखा जाता है विकर्ण में, बर्तन में, उस कंटेनर का सबसे निचला जो सतह होता है, सरफेस होता है, उसको यह फुली ऑक्यूपाइड कर देता है। इसलिए ये लिक्विड जो होता है वो फ्लूइड फॉर्म माना गया है, सॉलिड को रिजिड फॉर्म माना गया है मैटर का। अब आपका है लिक्विड डज नॉट फिल द होल कंटेनर। लिक्विड जो है पूरे कंटेनर को फुलफिल नहीं कर पाता है, फिल नहीं करता है, भर नहीं पाता है। गैस जो होता है, गैस का ऐसा कौन सा फॉर्म है, ये रिजिड फॉर्म है कि फ्लूइड फॉर्म है, तो गैस के बारे में भी बताया गया कि गैस इज अ फ्लूइड फॉर्म, ये भी फ्लूइड फॉर्म होता है लिक्विड के जैसा ही। अ गैस इज अ फ्लूइड फॉर्म ऑफ मैटर विच फिल द होल कंटेनर इन विच इट इज केप्ड, जिस भी कंटेनर में, विकर्ण में, बर्तन में इसको रखा जाता है, इसको फुली ये क्या कर देता है, ऑक्यूपाइड स्पेस कर लेता है। लेकिन लिक्विड फुली ऑक्यूपाइड स्पेस नहीं करता है, ऑक्यूपाइड स्पेस करता है लेकिन आंशिक भाग कुछ ना कुछ बच ही जाता है। लेकिन गैस ही एक ऐसा है जो किसी भी कंटेनर को फुली ऑक्यूपाइड कर लेता है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि लिक्विड और गैस जो है वह जो है फ्लूइड फॉर्म में होता है, और सॉलिड जो होता है वो रिजिड फॉर्म में होता है। इसलिए रिजिड फॉर्म में होता है कि सॉलिड जो है अनबेंडिंग होता है, इनफ्लेक्सिबल होता है, और लिक्विड और गैस जो होता है वो फ्लूइड फॉर्म में होता है। इसलिए फ्लूइड फॉर्म में होता है द मटेरियल विच कैन फ्लो इजली एंड रिक्वायर्स अ वेसल टू कीप इट। केयर यहाँ ध्यान रखिएगा कि बताया गया केयर, लिक्विड एंड गैसेस आर नोन एज फ्लूइड्स। लिक्विड्स और गैस को हम फ्लूइड भी बोलते हैं, इसको फ्लूइडिटी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स। मैटर जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड ऑफ टीनी पीसेस ऑफ पार्टिकल्स। हमारे आसपास जितने भी प्रकार की वस्तुएं हैं वो सब छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। आवर बॉडी इज मेड ऑफ पार्टिकल्स। हमारा शरीर भी जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। आवर चेयर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स। कुर्सी भी जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। आवर टेबल इज मेड ऑफ पार्टिकल्स। मेज भी जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। ठीक उसी प्रकार दिस बुक इज ऑल्सो मेड ऑफ पार्टिकल्स। यह किताब जो आप लोग देख रहे हैं यह भी छोटे छोटे मौलिक कणों से मिलकर ही बना हुआ है। द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन एवरीथिंग इज हाउ एवर
वेरी वेरी लार्ज एज एग्जाम्पल देखते हैं। ए स्मॉल रेन ड्रॉप, वाटर ड्रॉप इसको आप कहते हैं, कंटेन्स अबाउट 10^21 पार्टिकल्स ऑफ वाटर इन इट। बारिश के एक बूंद जो धरती पर गिरता है उस एक बूंद में से कम जो है 10^21 पार्टिकल्स ऑफ वाटर उसमें जो है मौजूद होते हैं। द पार्टिकल्स विच मेकअप मैटर आर एटम्स और मोलिक्यूल्स। वह जो पार्टिकल्स होते हैं वह तो एक वह या तो एटम के रूप में वो बने होते हैं या मोलिक्यूल्स के रूप में, परमाणु के रूप में या अणु के रूप में। आइए उसके बारे में देखते हैं, एविडेंस फॉर पार्टिकल्स इन मैटर में। सबसे पहले हम देखेंगे कि डिजॉल्विंग अ सॉलिड इन अ लिक्विड, एक सॉलिड कैसे किसी लिक्विड में डिजॉल्व होता है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। एविडेंस फॉर पार्टिकल्स इन मैटर में डिजॉल्विंग अ सॉलिड इन अ लिक्विड। मान लेते हैं कि यह एक बीकर है और इसमें वाटर भरा हुआ है, इस वाटर में जो है पोटासियम परमैंगनेट का एक गोला सॉलिड रूप में डाला गया है। धीरे धीरे यह पोटासियम परमैंगनेट जो है इसमें डिजॉल्व होना शुरू होगा। जो वाटर जो कलरलेस होता है, इस वाटर को जो है ये पोटेशियम परमैंगनेट घुलने के बाद, सोलुबल होने के बाद, ये पूरे सॉल्यूशन को क्या कर देगा, कलरफुल बना देगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि सॉलिड जो है लिक्विड में क्या हुआ, डिजॉल्व हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं कि एविडेंस फॉर पार्टिकल्स इन मैटर में देखा गया कि डिजॉल्विंग अ सॉलिड इन अ लिक्विड, कैसे कोई सॉलिड जो है किसी लिक्विड में डिजॉल्व होगा। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस, जब दो गैस को मिक्स करेंगे तो क्या होगा। मान लेते हैं कि यहाँ एक कंटेनर में एयर है और दूसरे कंटेनर में ब्रोमीन है। अब एयर तो हम लोग जानते हैं कि ये कलरलेस होता है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है, और ब्रोमीन जो है कलरफुल है। ब्रोमीन को क्या किया गया कि विकर्ण को इस जार में ब्रोमीन गैस को ट्रांसमिट किया गया, भेजा गया, सेंड किया गया। धीरे धीरे कुछ समय बाद पता चला कि ये पूरा दोनों भी कंटेनर जो था वो पूरा जो है रेड ब्राउन कलर हो गया, ब्रोमीन गैस में कन्वर्टेड हो गया। तो इस प्रकार हम लोग देखें कि डिजॉल्विंग के बाद देखें हम लोग कि मिक्सिंग ऑफ टू गैसे, दो गैस कैसे आपस में मिक्स होते हैं। उसके बाद है मोमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स इन वाटर। इन टॉपिकों के बारे में भी थोड़ा बहुत हम लोग अध्ययन करेंगे कि द बेस्ट एविडेंस फॉर द एग्जिस्टेंस एंड मोमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन लिक्विड्स वॉज गिवेन बाई रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा यह प्रतिपादित किया गया था 1827 में। इसमें हम लोग देखेंगे कि ब्राउनियन मोशन कैन ऑल्सो एब्जॉर्ब इन गैसेस, द टिनी डस्ट पार्टिकल्स मूव हेयर एंड देयर बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंटली हीट बाई द फास्ट मूविंग पार्टिकल्स ऑफ एयर। आइए विशेष चर्चा हम लोग यहाँ करते हैं। पॉलन ग्रेन्स में हम लोग को विशेष रूप से जानना होगा ब्राउनियन मोशन के बारे में। ये ब्राउनियन मोशन क्या होता है, द जिग जैग मूवमेंट ऑफ द स्मॉल पार्टिकल, जो छोटे छोटे कण होते हैं जिसका जिग जैग स्ट्रक्चर होता है, इधर उधर भागता है, अट्रैक्ट होता है। तो जिग जैग मूवमेंट ऑफ द स्मॉल पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन अ लिक्विड या गैस, उसी को हम लोग क्या जानते हैं, ब्राउनियन मोशन के नाम से जानते हैं। इसमें दो बातों को विशेष रूप से जोड़ दिया गया है जिसके ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन गिव्स अस टू कंक्लूजन, जो डिफ्यूजन का जो प्रोसेस है वह दो निष्कर्ष को प्रतिपादित करता है। पहला जो सबसे मस्ट है कि मैटर इज मेड ऑफ टिनी पार्टिकल्स, पदार्थ जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। और दूसरा, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, पदार्थ के जो कण होते हैं वो निरंतर गतिशील होते हैं। ये आपका वीडियो क्लिप सेकेंड था, इसको होमवर्क में आप लोग जो है इसको टू अंडरस्टैंड करके आइएगा। क्लिप थ्री में विशेष रूप से हम लोग जो है मैटर के प्रॉपर्टी के बारे में सीखेंगे, सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में जानेंगे। नाइस मीटिंग यू, गुड डे टू ऑल ऑफ यू।